हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नजर आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे इस तरह मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नज़र आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी नारायण यानी कि मलिक मीरा और इशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जरूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिल फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजुल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे इशिता मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नज़र आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और इशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लॉट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहां वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सह की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहाँ मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फ़िल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिल फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजुल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लिवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज़ किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म तीन सौ करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएँगे ईशा मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लॉट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फ़ाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल, शाहरुख खान कृति सनून और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज़ किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी, राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर इसी ईशिता मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशिदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नजर आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे ईशा मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और इशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दी है के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नजर आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे इस तरह मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नज़र आएंगे वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गो किस् की, की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जरूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा किए यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे इशा मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लॉट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सह की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फ़ाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजुल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दी है के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नजर आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे इस मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नज़र आएंगी वीरबख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का, का काम करते हैं वीर ईशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों के स की पिटाई करता है जिन्होंने इर्शिदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स ने इसे लाइक like किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजुल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दी है के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे इशिता तरह मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नज़र आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देवनारायण यानी कि मलिक मीरा और इशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लॉट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहां वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहाँ मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक like किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल, शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज़ किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएँगे इस मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लॉट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जरूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फ़ाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज़ किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म तीन सौ करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे इस मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईर्शिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे जरूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिल फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजुल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर इसी तरह मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नज़र आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का, का काम करते हैं वीर ईशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों के स की पिटाई करता है जिन्होंने इर्शिदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिल फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजुल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज़ किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएँगे ईशा मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगे वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईर्शिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहां वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जरूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजुल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों, संगीत हाश्य सिनेमाटोग्राफ़ी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज़ किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा ये यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर इसी तरह मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जरूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजुल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नजर आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे ईशिता तरह मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और इशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लॉट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पे फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दी है के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नजर आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे इशिता तरह मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नज़र आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देवनारायण यानी कि मलिक मीरा और इशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहां वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशिदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे जरूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज़ किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नजर आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएँगे इस मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नज़र आएंगे वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईर्शिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लॉट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिलवाले फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दी है के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नजर आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे इस मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का, का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों के स की पिटाई करता है जिन्होंने इर्शदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उसे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जरूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फिल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिल फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजुल शाहरुख खान कीर्ति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन इरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे ईशिता मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नज़र आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईशिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहां वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सह की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हानिहरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फ़िल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिल फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजुल शाहरुख खान कीर्ति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हास्य सिनेमाटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज़ किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा की है यूनुस सज्वल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएँगे इस मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगे वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईर्शिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लॉट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहाँ वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गों की सर की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवेंटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई फ़िल्म दिलवाले के बारे में तो अगर आप भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दिल फ़िल्म आपको कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल पर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको यह फिल्म यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दिलवाले फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दिलवाले रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में काजोल, शाहरुख खान कृति सनोन और वरुण धवन मुख्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे जबकि विनोद खन्ना बोमन ईरानी कबीर वेदी और जॉनी लीवर इस फिल्म के अंदर सहायक भूमिका में दिखाई देंगे 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले फिल्म ने खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया दिलवाले ने दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले एक्शन दृश्यों संगीत हाश्य सिनेमाटोग्राफ़ी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं को साथ रिलीज़ किया गया लेकिन इसकी कहानी पटकथा की आलोचना की यह विदेशों में तेरहवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में तीन सौ छिहत्तर करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की इकतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है इकसठवें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित पांच नामांकन प्राप्त हुए बात करते हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और पटकथा ये यूनुस सजवल ने इस फिल्म के कहानी दिए के सुभाष ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और गौरी खान है इस फिल्म की टोटल अवधि एक मिनट की है और इस फिल्म को बनाने में टोटल पचहत्तर करोड़ की बजट आई थी और यह फिल्म 380 करोड़ से भी अधिक की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने में सफल रही थी बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की तो इस फिल्म के अंदर काजल मीरा मलिक के रूप में आपको नज़र आएंगी राज जो कि काली का रूप प्ले कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नज़र आएंगे ईशा मलिक के रूप में कृति सेनन आपको नजर आएंगी वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन दिखाई देंगे जो कि शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं रणधीर बख्शी के रूप में आपको विनोद खन्ना दिखाई देंगे कबीर वेदी देव नारायण यानी कि मलिक मीरा और ईर्षिका के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं वरुण शर्मा इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ सैगल का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे जानी लीवर मणि त्रिपाठी के रूप में इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बात करते हैं स्टोरी प्लास्ट की तो इस फिल्म में वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है जहां वह उसकी मदद करता है लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुँचाता है तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पता चलता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग वैनर से झगड़ा हो जाता है वह अपने कुछ गुर्गो किस् की पिटाई करता है जिन्होंने इशदा को धमकी दी थी और बाहर निकल जाते हैं राज ने लड़ाई छोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है राज खुद को काली बताता है राज को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हरित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है सन 2000 में बुल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी के नाम से एक क्राइम बॉस के बेटे हैं रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुंडे द्वारा हमला किया जाता है जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था वह राज की जान बख्शती है क्योंकि वह उस दिन उसका जन्मदिन था तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें दो गैंगस्टर के बेटे और बेटी एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और इस फिल्म में क्या होता है वो क्यों गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या वो काजल से मिलता है या नहीं मिलता है तो ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको देखनी है तो ये फिल्म आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कॉपीराइट नेटफ्लिक्स ने लिया हुआ है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ज़रूर इस फिल्म को देख लीजिएगा और इस बात कर लेते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली थी और सेवनटी वन परसेंट गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक like किया था